क्या आपका मैक्रो फोटोज ब्लरी और लेस आ पाते हैं लाइट कम होने के कारण? पहले लोग मैक्रो फोटोग्राफी के लिए कुछ इस तरह का लाइटिंग सिस्टम यूज करते थे, जिसका वायर को यहाँ पे ओटीजी में कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये लाइट जलता था। इसको यहाँ पे क्लिप करके यहाँ पे लेंस लगाना होता है। लेकिन ये है एपेक्सल का न्यू होल्डर जिसमें एलईडी लाइट लगा हुआ है। इसमें ना ही आपको कोई केबल चाहिए, ना ही कोई ओटीजी कनेक्शन। इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं क्योंकि ये एक रिचार्जेबल एलईडी लाइट है। इसमें 17 mm का भी थ्रेड है और 37 mm का भी थ्रेड है। 17 mm थ्रेड मतलब इसका जो थ्रेडिंग सिस्टम है ये 17 mm डायमीटर का है। इसका जो थ्रेड साइज है ये 37 mm का थ्रेड साइज है। ये लेंस होल्डर को हम यूज करेंगे मैक्रो फोटोग्राफी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विथ एलईडी लाइट में आपको ज्यादा मैक्रो में डिटेल्स मिल रहा है। पहले इस टाइप का यूनिवर्सल होल्डर आता था, अभी इस टाइप का यूनिवर्सल होल्डर आता है जिसमें एलईडी लाइट लगा हुआ है। दोनों ही सेम है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक एलईडी लाइट लगा हुआ है। इसका जो होल्डर है ये यूनिवर्सल है ताकि आप इसको कोई भी फोन में लगा सकते हैं। तो आपको पूछना नहीं है ये होल्डर खरीदने के बाद कि ये कौन सा वाला फोन में फिट होगा। ये दुनिया का कोई भी फोन में फिट हो सकता है। तो आप इसके ऊपर कोई भी लेंस लगा के 17 mm थ्रेड वाला या 37 mm थ्रेड वाला आराम से आप लेंस यूज कर सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाता है। इसके अंदर आ जाता है यूजर मैनुअल जिसमें लिखा है कि इसका क्या फंक्शन है और इसको कैसे यूज करना है। इसके अंदर एक आ जाता है कैरी बैग जिसमें आप ये लाइट का कैरी करके जा सकते हैं। ऐसे ही ये बहुत ही छोटा सा है, इसको आप डायरेक्टली अपना पॉकेट में डाल सकते हैं। इसके अंदर आ जाता है एक एलईडी चार्ज करने के लिए केबल जो की टाइप सी केबल है। तो ये है अपना एलईडी लाइट विथ होल्डर। ये होल्डर बहुत ही फ्लेक्सिबल है तो आप आराम से फोन के ऊपर लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये है पिक्सेल का 8 प्रो, बस इसको एक्सटेंड करके लगा लीजिए। जो प्राइमरी कैमरा है उसमें अपने हिसाब से लेफ्ट राइट स्लाइड करके अच्छे से सेंटर में लगा लीजिए और इसके ऊपर आप अपना लेंस को रोटेट कर सकते हैं। लेंस को जस्ट इसके ऊपर लगा लीजिए और आपका लेंस रेडी हो गया शूट करने के लिए। जैसे आपको मैंने बताया था ये एलईडी लाइट में 17 mm का भी थ्रेड है और 37 mm का भी थ्रेड है। अभी देखते हैं एपेक्सल का ये जो लेंस है इसमें 37 mm का थ्रेड है, ये चलता है कि नहीं उसके ऊपर। इसका जो थ्रेड साइज है ये 37 mm का थ्रेड साइज है। अभी इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर और देखिए ये आराम से कनेक्ट हो गया। तो इसका लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, तो इसको ऑन करेंगे तो इसका लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये लाइट ऑन हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको लेंस लगाना है, बिना लेंस के भी आप बस लाइट को यूज करके फोटो शूट कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको अंधेरा टाइप का लग रहा है तो आप बस होल्डर लगा लीजिए और फोटो शूट कीजिए। अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं ये एलईडी लाइट का कितना पावर है। ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप का आउटपुट मिलता है आपको। मतलब अगर आपका लो लाइट सिचुएशन होगा तो एलईडी लाइट आपको कुछ हेल्प कर सकता है। ये अपना लोअर लेवल में है, हम इसका ब्राइटनेस अभी बढ़ा रहे हैं। 3 लेवल का ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं। इसका ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो 1, 2 और 3, इसमें आप 3 मोड में लाइटिंग सेटअप कर सकते हैं। आपको दबाना पड़ेगा पावर बटन को 1, 2 और 3। 2 टाइप का एलईडी लाइट्स है, एक येलो कलर का एक व्हाइट कलर का। तो आप अगर ये दबाते हैं तो ये येलो कलर ग्लो कर रहा है। अभी ये येलो और व्हाइट दोनों एलईडी ऑन है और ये बस व्हाइट एलईडी ऑन है। लाइट को बंद करने के लिए ये पावर बटन को दबा के रखना है थोड़ा टाइम के लिए, तो ये ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस इसमें एपेक्सल का लेंस लगेगा, स्काईविक या फिर अन्य कोई भी ब्रांड का लेंस लग जाएगा। होल्डर के साथ आपको मिल जाता है एक ट्राइपॉड माउंट करने के लिए, यहाँ पे कोई भी ट्राइपॉड लगा सकते हैं। इस तरफ में आपको मिल जाता है एक कोल्ड शू माउंट। क्या होता है, जो DSLR कैमरा के ऊपर में कनेक्ट करने के लिए रहता है वो सेम यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया है। कोल्ड शू माउंट में आप ऐड कर सकते हैं अपना माइक्रोफोन या फिर और एक एक्स्ट्रा एलईडी लाइट। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है एक माइक्रोफोन वायरलेस रोड का रोड माइक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करके माउंट कर सकते हैं। तो जो भी एक्सेसरीज आपका एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है जिसमें ऐसा टाइप का एक कोल्ड शू माउंट है, इसमें आप माउंट कर सकते हैं। ये होल्डर का बढ़िया बात यह है कि आप अगर इसको अपना फ़ोन का पावर बटन या फिर वॉल्यूम बटन के ऊपर भी रखेंगे तो ये दबेगा नहीं, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसा हुआ है। तो देखिए मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ तो फोन को आप आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसका डिजाइनिंग इतना बढ़िया है कि आपका जो वॉल्यूम बटन और पावर बटन है इसके अंदर रह जाएंगे और आपका
वॉल्यूम और पावर बटन यहाँ पे टच भी नहीं होगा। और कुछ लोग पूछते हैं ये जो दिया गया है बॉक्स के अंदर ये काला काला चीज़ इसका क्या काम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं इसको S23 अल्ट्रा के ऊपर लगाता हूँ तो यहाँ पे आपका कैमरा निकला हुआ है लेकिन यहाँ पे ये डाउन हो गया है, यहाँ पे थोड़ा होल्डर और फोन के बीच में गैप है, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट में नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का है, यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा, तो ये स्पेसर के जैसा एक काम करेगा। ये छोटा सा चीज निकाल के यहाँ पे स्टिक करना पड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये इवनली प्लेस हो जाएगा। तो इस होल्डर का बारे में अगर आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कोई टाइप का टेस्टिंग आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वो टेस्टिंग ले आऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट के फॉर्मेट में या फिर एक रील के फॉर्मेट में, तो मुझे जाके आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारा फोटोज और वीडियोज में डालने वाला हूँ इसके रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।